कहानी की शुरुआत में हमें एड्रियन नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होता है और एक जगह पर बैठा होता है। दरअसल एड्रियन की गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली जाती है जिस कारण से एड्रियन बहुत ज़्यादा परेशान होता है। साथ ही उसकी गर्लफ्रेंड एक वीडियो रिकॉर्ड करके भी छोड़ देती है जिसे एड्रियन देख रहा होता है। उस वीडियो में उसकी गर्लफ्रेंड उसे बताती है कि अब मैं और तुम साथ में नहीं रह सकते क्योंकि अब हमारे बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, जिस कारण से मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ और मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। ये सब देखने के बाद एड्रियन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि एड्रियन अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। इसके बाद वो एक बार में जाता है जहाँ पर वो कुछ शराब पीने लगता है। वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा शराब पी लेता है और उससे अब होश में भी नहीं रहना हो रहा था। जब वो उस बार से उठकर जाने वाला होता है तो उसे चला भी नहीं जा रहा था, जिस कारण से वहाँ पर एक बार में काम करने वाली लड़की आती है और उसे संभालने की कोशिश करती है। उस लड़की का नाम फेबियाना होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एड्रियन से गाड़ी भी चलाते नहीं बन रही थी, जिस कारण से वो लड़की वहाँ पर आती है और उसे ड्राइव करके उसके घर तक ले जाने की कोशिश करती है। इसके बाद रात भर वो फेबियाना के रूम पे बिताता है और जैसी सुबह होती है एड्रियन वहाँ से उठता है और बिना फेबियाना से बात करे वहाँ से निकल जाता है, जिस कारण से फेबियानो को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि एड्रियन वहाँ से बिना बोले निकल गया था। फेबियानो सोचती है कि मैंने रात में इतनी ज़्यादा उसकी मदद करी और उसने मुझे धन्यवाद भी नहीं किया। लेकिन जल्द ही एड्रियन को समझ आ जाता है कि उसने फेबियन को धन्यवाद करना चाहिए था, जिस कारण से वो फिर से रात में बार में आता है और बार में जाने के बाद वो फेबियाना से मिलकर उसे धन्यवाद बोलता है। इसके बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं और कुछ टाइम बाद वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब क्योंकि एड्रियन अकेला होता है जिस कारण से उसे दोस्त की जरूरत होती है, इसीलिए वो फेबियाना को अच्छा दोस्त बना लेता है और साथ ही उनकी दोस्ती इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि वो एड्रियन के घर में भी आने लगी थी। उन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप बन चुका था और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। इसके बाद फेबियाना उठती है और ब्रश करने के लिए बाथरूम में जाती है, तभी अचानक से उसे सिंक के अंदर से आवाजें आने लगती हैं। इसके बाद वो कान लगा के सुनती है तो वहाँ से किसी की बोलने की आवाज आ रही थी। इसके बाद फेबियाना नीचे आती है और उसे पेपर बिखरे दिखाई देते हैं जिनको वो देखने लगती है। जब फेबियाना उन पेपर को उठाकर देख ही रही होती है लेकिन तभी अचानक से पीछे से एड्रियन आता है और उसे बोलता है कि प्लीज इन पेपर को मत उठा के देखना। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं लेकिन तभी अचानक से बेल बजती है और जब एड्रियन गेट खोलता है तो वहाँ पर दो पुलिस वाले बंदे आए थे। वो दो पुलिस ऑफिसर एड्रियन की पुरानी गर्लफ्रेंड के बारे में पता लगाने आए थे जो कि दो दिन से गायब होती है। उन पुलिस ऑफिसर को एड्रियन के ऊपर शक होता है कि कहीं उसने उसकी गर्लफ्रेंड को मारकर उसके घर में तो नहीं छुपा दिया। उसी की छानबीन करने के लिए वो पुलिस ऑफिसर उसके घर पर आए थे। इसके बाद एड्रियन उसकी गर्लफ्रेंड का वीडियो दिखाता है, जिसे देखने के बाद वो पुलिस ऑफिसर वहां से चले जाते हैं। उन दो पुलिस ऑफिसर में से एक पुलिस ऑफिसर फेबियाना का दोस्त होता है, जिस कारण से वो फेबियाना से पूछता है कि इस आदमी के साथ रह के तुम्हें क्या ठीक लग रहा है, उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड को गायब हुए सिर्फ दो दिन हुए हैं और उसने तुम्हें नया दोस्त बना लिया, जबकि एड्रियन उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। फिर भी एड्रियन ने तुम्हें बहुत अच्छा दोस्त बनाया और तुम्हारे साथ रिलेशनशिप बनाया, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा इस आदमी से बच के रहना। फेबियाना भी ये सब बातें सुनकर सोचने लगी थी कि एड्रियन ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन फेबियाना के दिल में लालच भी होता है। वो एड्रियन की तरह ही अमीर, हैंडसम और खूबसूरत लड़का चाहती थी जिसके साथ वो रहे और अपनी सारी ज़िंदगी अच्छे से गुजारे। इसके बाद फेबियाना उसे बोलती है कि चाहे कोई कुछ भी कहे, मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और फेबियाना के साथ अब घर में कुछ अजीब अजीब सी बातें होने लगी थी। एक दिन जब वो नहा रही थी तो अचानक से शावर से बहुत ज़्यादा गर्म पानी आने लगा, जिस कारण से उसकी बॉडी भी जल जाती है। उसे लगने लगा था कि एड्रियन के घर में किसी भूत और आत्मा का साया है। इसके बाद वो एड्रियन को इस बारे में बताती है तो एड्रियन को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और वो बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे घर में। अब इसी तरह फेबियानो को एक दिन घर में चेन के अंदर चाबी मिलती है, जिसे उठाकर उसने अपने गले के अंदर पहन लिया था और उसे पहनने के बाद उसे बहुत अच्छा लगता है, जिस कारण से वो उस चाबी को अपने गले में ही लटका लेती है। तभी अचानक से पूरे घर की लाइट बंद हो जाती है और फेबियाना को उस घर में किसी के होने का एहसास होने लगता है। लेकिन तभी अचानक से कोई वहाँ पर आता है और फेबियाना के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तभी एड्रियन भी वहाँ पर आ गया था और उसे उठाकर चेयर पर बिठाता है और उसे पानी देकर बोलता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि फेबियाना अब और भी ज़्यादा डरी हुई थी। इसके बाद एड्रियन उसे बोलता है कि तुम डरो नहीं, जिसने तुम पर हमला किया वो कोई इंसान नहीं बल्कि डॉग है जो कि यहीं पर रहता है।
जिस कारण से तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी एड्रियन को पुलिस का कॉल आता है और पुलिस ऑफिसर उसे बताते हैं कि हमें एक लाश मिली है, हमें शक है कि कहीं वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं है, जिस कारण से तुम यहाँ पर आकर चेक करो और कन्फर्म करके हमें बताओ। इसके बाद ये दोनों चेक करने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं। जब एड्रियन उस लाश को देखता है तो बोलता है कि नहीं, ये मेरी गर्लफ्रेंड की लाश नहीं है। इस बात से फेबियाना थोड़ा घबरा गई थी और एड्रियन से थोड़ा नाराज हो जाती है। इसके बाद एड्रियन बोलता है कि अगर ऐसा हुआ भी कि मेरी गर्लफ्रेंड वापस आ भी गई तो मैं अपनी जिंदगी में पीछे नहीं जाऊंगा और उसके आने से हमारे रिलेशनशिप पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। और साथ ही उससे बोलता है कि तुम्हारी जगह और कोई नहीं ले सकता। इतना कहने के बाद वो दोनों गले लगते हैं और उनके सामने एक मिरर होता है। देखने में तो वो मिरर नॉर्मल लग रहा था लेकिन अंदर से सब कुछ दिखाई दे रहा था, यानी कि मिरर के दूसरी तरफ एक और कमरा है जहाँ पर एड्रियन की गर्लफ्रेंड धोखे से फंस चुकी है और वहां से उसकी गर्लफ्रेंड सब कुछ देख रही है। बाहर से देखने पर वो एक शीशा नजर आता था लेकिन अंदर से बहुत बड़ा कमरा था। एड्रियन की पुरानी गर्लफ्रेंड अंदर से खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी लेकिन बाहर से फेबियन को अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता, यानी कि अंदर से घर की हर चीज नजर आएंगे लेकिन बाहर खड़ा हुआ इंसान अंदर नहीं देख पाएगा। एड्रियन की गर्लफ्रेंड की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। इसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें बताया जाता है कि आखिर ये लड़की वहाँ पर फंसी कैसे। इसके बाद हम एड्रियन और उसकी गर्लफ्रेंड जिसका नाम बेलन होता है उसे देखते हैं। एड्रियन को इस शहर में म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर काम मिला हुआ था जिस कारण से वो बेलन के साथ इस घर के अंदर शिफ्ट हुआ और साथ ही वो हंसी खुशी जिंदगी उस घर में अपनी बिता रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि एड्रियन की एक आदत होती है कि वो हर लड़की से अच्छे से और फ्री होकर बात करता है। इसके बाद बेलन एड्रियन को एक लड़की के साथ देख लेती है जिसके बाद उसे एड्रियन पर शक रहने लगा। बेलन एक दिन अकेले चाय पी रही होती है लेकिन तभी अचानक से उसके पास एक लेडी आकर बैठ जाती है। वो लेडी उसके घर की मालकिन थी जहाँ पर वो दोनों रहा करते थे। इसके बाद बेलन उस बूढ़ी औरत को बताती है कि एड्रियन ने मेरा विश्वास तोड़ा है और साथ ही वो उसे बताती है कि मुझे दुख होता है जब भी मैं उसे और किसी के साथ देखती हूँ। इसके बाद वो बूढ़ी औरत बोलती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम एड्रियन को टेस्ट कर सकती हो। इसके बाद वो बूढ़ी औरत बोलती है कि चलो मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ। उस चीज को देखने के लिए वो एड्रियन के घर में जाते हैं और उस घर में एक दरवाजे के अंदर चाबी लगाकर एक सीक्रेट दरवाजा खोलती है। उस सीक्रेट कमरे की हालत कुछ ठीक नहीं होती लेकिन रहने लायक सारी चीजें अवेलेबल होती है। इसके बाद वो बूढ़ी औरत बताती है कि मेरी फ्रेंड एक आर्मी फौज में थी जिस कारण से उसने अपना घर बनाया और उसके अंदर एक खुफिया कमरा भी बनाया। इसके बाद वो बूढ़ी औरत उसे बताती है कि तुम अगर अपने प्यार को टेस्ट करना चाहते हो तो तुम 2-3 दिन के लिए इस कमरे के अंदर चली जाओ और अंदर से बाहर सब कुछ देख पाते हो और उसी टाइम में जान जाना कि तुम्हारा प्यार सच्चा है और इसी से तुम्हें पता चल जाएगा कि वो तुम्हें प्यार करता है या नहीं। बेलन को ये आइडिया बहुत ज्यादा पसंद आता है जिस कारण से अपना सारा सामान पैक कर लेती है और वीडियो कैमरा से वीडियो बनाकर वहीं पर रख देती है और खुद निकल जाती है। वो मोबाइल में रिकॉर्ड करती है कि मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ और खुद को एक सीक्रेट रूम में उसने लॉक कर लिया था। उस सीक्रेट दरवाजे को ओपन करने के बाद उस लड़की को याद आता है कि उसने चाबी तो बाहर ही छोड़ दी है। बेलन बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी जिस कारण से वो जल्दी से एड्रियन को फोन करके सब कुछ बता दे। वो कॉल करना चाहती थी लेकिन अंदर बिल्कुल भी सिग्नल नहीं होते जिस कारण से वो बाहर जाने की कोशिश करती है। वो अंदर से एड्रियन को देख पा रही थी और चिल्ला चिल्ला कर एड्रियन को आवाज़ देने लगती है लेकिन ना ही उसकी आवाज़ बाहर जा पाती है और ना ही वो उसे देख पाता है। बाहर एड्रियन को सिर पर शीशा नजर आता है और अंदर बेलन बहुत बुरी तरह फंस चुकी थी। बाहर एड्रियन बैठा हुआ था और उस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। लेकिन एड्रियन की गर्लफ्रेंड कुछ ही टाइम से गायब हुई थी और उसने एक नई गर्लफ्रेंड फेबियानो को बना लिया था जिसे देखकर बेलन बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो सोचती है कि एड्रियन तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, फिर एड्रियन मुझे धोखा कैसे दे सकता है। बेलन को लगता था कि उसके गायब होने के बाद एड्रियन को उसकी बहुत ज़्यादा परवाह होंगी लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था और उसने एक दिन के बाद ही अपनी नई गर्लफ्रेंड बना ली थी और बेलन इसी तरह अंदर फंस चुकी है और कहानी दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। बेलन अंदर से सब कुछ देख पा रही थी। फिर सुबह होती है और फेबियाना बाथरूम में ब्रश करने के लिए आती है। जब फेबियाना मूड होती है तो उसे सिंक से फिर से आवाज़ें आने लगती है
और वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि बेलन की होती है, जो उसे चिल्ला चिल्ला कर बताने की कोशिश कर रही थी कि मैं यहाँ पर फंसी हुई हूँ। और साथ ही जब फेबियाना नहाने के लिए बाथटब में जाती तो अंदर से बेलन उस बाथटब के पानी को कभी ठंडा या बहुत ज्यादा गर्म कर देती, जिस कारण से फेबियाना एड्रियन को बताती है कि तुम्हारे घर में भूत है। लेकिन एड्रियन को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आता। एक दिन जब फेबियाना अपने घर पर अकेली होती है तब वो सिंक में बहुत सारा पानी भर लेती है और उससे पूछने लगती है कि बताओ तुम कौन हो। तब फेबियाना देखती है कि वो पानी जोर जोर से वाइब्रेट करने लगता है क्योंकि बेलन अंदर से पानी वाली पाइपलाइन को जोर जोर से पीट रही थी, जिस कारण से पानी वहां पर वाइब्रेट होता हुआ दिखाई देता है। जिसे देखकर फेबियाना को इस बात का अंदाजा हो गया था कि इस घर में कोई न कोई इंसान जरूर है और वो इंसान मुसीबत में फंसा हुआ है जो कि अंदर से उसे देख सकता है। इसके बाद फेबियाना अपने बेडरूम में जाती है तो उसे वहां पर अपना डॉग दिखाई देता है जो एक शीशे को खोलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि सिर्फ एक वही डॉग था जो जानता था कि बेलन उस शीशे के पीछे छुपी हुई है। इसे देखकर फेबियाना समझ चुकी थी कि एड्रियन की फ्रेंड बेलन अंदर फंस चुकी है और उसे मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके बाद वो कमरे में चेक करती है तो उसे एक खुफिया लॉक दिखाई देता है जिसे वो अपने गले में टंगी हुई चाबी की मदद से खोल सकती थी, लेकिन उसके पास चाबी होने के बावजूद भी वो दरवाजा नहीं खोलती क्योंकि उसके दिल में भरे लालच ने उसे रोक लिया था। क्योंकि फेबियाना इस बात को जानती थी कि एड्रियन को अगर उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड मिली तो वो उसे छोड़ देगा, जिस कारण से वो दरवाजा नहीं खोलती और अपने कमरे को ही बदल देती है। जब एड्रियन घर पर वापस आता है तो अपने कमरे को बदला हुआ देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और साथ ही वहां पर एड्रियन को कुछ बदला बदला भी लग रहा था। फेबियाना उसे परेशान देखकर सोचती है कि वो अपनी दोस्त की वजह से परेशान होगा। अगली सुबह एक पुलिस ऑफिसर जो कि फेबियाना का दोस्त भी होता है वो घर पर आता है। साथ ही वो उसे बताता है कि एड्रियन बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। उसे वो कुछ तस्वीरें भी दिखाता है जिसमें एड्रियन लड़कियों के साथ में होता है, जिसे देखकर फेबियाना समझ चुकी थी कि एड्रियन अच्छा लड़का नहीं है। इसके बाद वो फिर से सिंक के पास जाती है और उसमें पानी भर के बात करने लगती है, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती, जिस कारण से फेबियाना डर गई थी कि कहीं अंदर बेलन मर तो नहीं गई है, क्योंकि उसे गायब हुए 2 हफ्ते से ज्यादा हो चुके थे। इसके बाद वो अपने गले में लटकी हुई चाबी निकालती है और उसी आलमारी के पास पहुंचती है जिसमें खुफिया लॉक होता है। इसके बाद वो चाबी लगा के दरवाजा खोलती है और अंदर जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ का रूम बहुत ज्यादा गंदा हो पड़ा है। फिर थोड़े आगे जाने पर फेबियाना को बेलन दिखाई देती है जो कि वहाँ पर बेहोश पड़ी होती है। जब फेबियाना उसके पास जाकर उसे जगाने की कोशिश करती है तो बेलन तुरंत जाग जाती है और उसके सिर पर कुछ दे मारती है, जिस कारण से फेबियाना वहीं पर बेहोश हो जाती है और बेलन बाहर आ जाती है। अब बेलन उस दरवाजे से बाहर आ चुकी थी और फेबियाना अंदर लॉक हो चुकी थी और साथ ही बेलन के पास वो चाबी होती है जिससे वो दरवाजा लॉक होता है। इसके बाद वो अपनी और एड्रियन की तस्वीर शीशे पर चिपका देती है और उसने उस खुफिया दरवाजे की चाबी को भी बेड पर रख दिया था। जब एड्रियन घर पर आता है तो वो डॉग एड्रियन को वो तस्वीर दिखाता है और साथ ही चाबी भी दिखाता है। फेबियाना अब उस शीशे के पीछे कैद होती है। फेबियाना के लालच के कारण वो अंदर कैद हो गई। साथ ही बेलन भी जान चुकी थी कि एड्रियन अच्छा इंसान नहीं है, जिस कारण से वो उसे छोड़कर चली जाती है। अब एड्रियन के पास ना ही फेबियाना होती है और ना ही बेलन। अब फेबियाना के गायब होने के कारण पुलिस का शक सबसे पहले एड्रियन के ऊपर आएगा और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।